हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो भाई कोर्ट में पहुंच चुके हैं स्टंप सीट और हम मिलकर वो भी रात और रात एमएलए को तो उन्होंने शो करना था। अबे वो हम भी इधर शौक हुए कि भाई आए किधर से अंदर तो कड़क करते स्टार्ट। वो रात की प्लानिंग करके बैठे हुए थे। वो देखो आ गया। अच्छा सॉरी मैडम, मैं ये केस नहीं लड़ सकता। लेकिन क्यों? मुझे अपनी जान प्यारी है मैडम, फालतू में टेंशन नहीं लेना चाहता। लगता है उस वकील ने धमकी दी है इसे। तो फिर क्या कर रहे? समझिए मैडम, मेरा भी घर परिवार है। सॉरी। ओ तेरी है रोला। सुनो, ले भाई। बाहर से कोई वकील ला, चाहे जितने पैसे लगे। ओके। गो। तो क्या समझता है एमएलए ने? वो सीता मैडम का चेक बाउंसिंग का केस है, क्या आप लड़ेंगे उनके लिए? सीता मैडम का केस? नारे बाबा माफ करो। एमएलए ने भाई सबको धमकी दी है। थोड़ी देर रुक जाओ सर, सीता मैडम का एक छोटा सा केस है ना सामने। हां फिर नहीं लड़ूंगा। सबको धमकियां दे दी है सीता मैम का। मेरे बाप मूंगफली से ज्यादा जरूरी लॉयर है। अब मैडम एक छोटा सा केस है। सीता मैडम का केस है? नहीं सर, सबको पता है। किसी और को ढूंढ लीजिए। और सब नहीं, नारी भी नहीं लड़ रहे। चक्रम मूंगफली लेते हैं ना। और उसको मूंगफली की पड़ेगी आराम। इधर रोला बना भाई। बोलो। सुना तुम्हारा वकील भाग गया, इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बाहर देखो गाड़ी का दरवाजा खुला है, मेरे घर का दरवाजा खुला है, मेरे दिल का दरवाजा खोला है। आजा। तुम्हारे हर मर्ज की दवा मेरे पास है। लेकिन ये भी मानती नहीं है हार। सबने मना कर दिया, सब डरे हुए हैं। अब क्या करें? तुम अगर हाँ कहो तो मेरे पास एक बहुत अच्छा लॉयर है जो तुम्हारे लिए केस लड़ सकता है। कौन? राम। राम दिक्कत हो जाएगी हम लोग को। वकील को कानून की इतनी जानकारी नहीं होगी जितनी उसे। उस दिन वो तुमसे सच्चा प्यार करता है, वो कुछ ना कुछ करके तुम्हें बचा ही लेगा। याद है उसके बाद भी कितनी मोटी किताब पढ़ी। तुम सड़कों देखते जाओ। ओके जज साहब आ गए हैं, सब खड़े हो जाए। जो लोग पढ़ने में सालों लगाते हैं। श्रीमती सीता महालक्ष्मी जी, श्रीमती सीता महालक्ष्मी जी। चक्रपाणि जी आप शुरू कीजिए। लेकिन श्रीमती सीता महालक्ष्मी यानी इन्होंने सेठ चंदूलाल बंसीलाल जी से पूरे 25 करोड़ रुपए उधार लिए थे। जब एकदम शांत स्वभाव वाले मेरे क्लाइंट चंदूलाल बंसीलाल जी ने जब कुछ निजी कठिनाइयों की वजह से सीता महालक्ष्मी जी से पैसे वापस मांगे तो उनके चेक बाउंस हो गए। इसीलिए सेक्शन 138 और 420 क्रिमिनल ऑफेंस सेक्शन के तहत इन्हें हिरासत में ले लिया जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। सीता जी आपका केस प्रस्तुत करने के लिए कोई वकील है? राम लड़ पाएगा? पड़ी तो है। इसको केस का सही पता भी नहीं है ना कुछ। हेलो आपकी तारीफ, कहां से आए? मेरा नाम रघुराम है, सीता का केस आज मैं लड़ूंगा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये कैसे लड़ सकता है? ये कोई लॉयर है क्या? बार काउंसिल का मेंबर तक नहीं है। ये कोर्ट है या सर्कस? मैं वही कह रहा हूं। इट्स एक्ट सेक्शन 32 मेंशंस दैट द कोर्ट में अलाउ एनी पर्सन टू अपीयर इन एनी पर्टिकुलर केस इवन इफ ही और शी इज नॉट एन एडवोकेट। मतलब अपनी या किसी और के केस की सुनवाई करने का सबको अधिकार है, फिर चाहे वो वकील हो या ना हो। सेक्शन 32 में ये साफ लिखा है। क्या ये आपका केस लड़ेगा? सीता आप तेरे पास कोई और आसरा नहीं है, ले भाई। सर राजी क्योंकि इसके पास और कोई नहीं है। चक्रम सीता चाहती है मैं उसका केस लड़ूं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर रघुराम यू कैन प्रोसीड। लेकिन राम लड़ पाएगा? ओ भाई शर्मा बाद में लेना, पहले केस लड़ जा। क्या हुआ? अगर कोई भूख लग गई, वॉशरूम जाना पड़ गया तो जल्दी कीजिए, 10:30 बज चुके हैं। ओ अच्छा 10:30 बज गए। रोज 10:30 बजे मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, फिर उसके बाद एक ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। ये तो मुझे याद ही नहीं। रोज 10:30 बजे मैं चाय पीता हूँ, उसके साथ 2 बटर बिस्किट खाता हूँ, उसके बाद एक ग्रीन टैबलेट और एक रेड टैबलेट लेता हूँ। केस लगे 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, फिर तुझे एक नहीं 2-2 चाय पिलाऊंगा। मुझे 2 नहीं, एक ही चाय चाहिए, वो भी अभी। मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय पिला दो। सीता जी ये क्या बेहूदापन है? ये कोर्ट है, कोई चाय की दुकान नहीं। और कोई होता तो उसे अरेस्ट करवा देता। मैं आपको आखिरी मौका देता हूँ, आपके पास आधा घंटा है, जाकर कोई अच्छा वकील लेकर आइए। जाइए जाइए। आधा घंटा है नहीं भाई, मसला हल ही। अब क्या करेगी यार? अब इसका इसके साथ इशू है ना राम के साथ। ओले चाय पिला रहे हैं भाई।
भाई चाय बिस्किट और वो भी पपली। चाय चाहिए ना, चाय चाहिए ना, ये लो। चाय नहीं पी तो मर जाओगे ना, और लो। ये इसके साथ तुम किसी के काम आने लायक नहीं हो, मेंटल हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा, मर जाओ। कितना अच्छा इसके साथ करता है यार, अबे उस बेचारे की बरसात कर। लेकिन अब उस बेचारे की क्या करें, थोड़ी बीमारी जो है। हाँ जी बोलिए, कोई वकील मिला या नहीं? कहाँ से मिला? यस मिलॉर्ड। ठीक है शुरू कीजिए। है रुको, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, और आप लोग जाइए यहाँ से। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट ने चेक इशू किया था, ये सच है, और वो चेक बाउंस हो गया, ये भी सच है। लेकिन एक अच्छे घर की महिला होने के नाते, जिनका आज तक कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इनको कम से कम सजा दी जाए, मैं इसकी दरख्वास्त करती हूँ। क्या बक रही हो? ये बिल्कुल सही रहेगा, वरना ये लोग तुम्हें 2 साल की जेल के साथ फाइन भरने को भी कहेंगे। इसलिए यही रास्ता है हमारे पास, और वैसे भी सामने वाले लोग बहुत शक्तिशाली है। अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अंडर सेक्शन 138, इट इज क्लियरली मेंशन्ड दैट द पेई हैज टू रीसबमिट द चेक विद इन द 3 months फ्रॉम व्हिच इट इज डेटेड। और साथ में मिस सीता और चंदूलाल जी के अग्रीमेंट के मुताबिक उनको चेक सिर्फ सिक्योरिटी के तौर पर दिया गया था। सीता जी के पास पूरे 3 महीने थे पैसे लौटाने के लिए, लेकिन चंदूलाल जी ने अग्रीमेंट का पालन ना करके चेक। रघुराम ने जिन भी सेक्शंस का उल्लेखन किया है वो सारे सेक्शंस कानून द्वारा स्वीकृत हैं। सीता महालक्ष्मी के खिलाफ इश्यू किया हुआ अरेस्ट वारंट रद्द कर दिया जाता है। चंदूलाल जी ने जानबूझकर चेक पहले जमा करवा दिया, और उनके वकील ने इसका गलत फायदा उठाकर सीता के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाया। आप एक नामचीन वकील हैं, बेहतर होगा अगली बार उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें। ये वकील था। क्या बात है भाई, लगता है भूल गए, हार गए। बिल्कुल सही कहा, बजाओ ताली, बजाओ। ये वही है राम जिसको अभी बात की जा रही है। नाम तो सीता है उसका, लेकिन उसकी हरकतें देखकर हैरान था मैं, लेकिन अब समझ में आया कि उसके साथ राम भी है। मेरी बात मानो, लंका दहन होने से पहले जाकर माफी मांग लो। तेरी बराबरी रावण से कभी मत करना चाहे बाबू, बहुत दुख होता है। श्री राम ने धनुष उठाकर सीता को हासिल किया था, वैसे ही मैंने भी सीता की मदद करके उसे हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा फायदा उठाकर मुझे फेंक दिया। तो ऐसे ही करती है, मुझे लगा तो सीता को मेरे लिए ले आएगा। राम की इज्जत नहीं करती तो। सीता के साथ जो विलन है उसका नाम क्या है? अभी तक कपड़े नहीं पहने। राम नाम रखने से कोई श्री राम नहीं बनता। ये नोट के बंडल उठा। नोट दे और ठोक डालो से। नहीं सर, वो एक अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान? तू जैसे पुलिस वालों और मुझ जैसे नेताओं को दिखाने का नाटक नहीं करना चाहिए। तू तो हमारी पूरी काम को ही ले डूबेगा बे। वो लड़की आपको बार बार ठुकरा रही है सर, और आप फ्रस्ट्रेट होकर ये सारे कारनामे कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ओ तो वो कैसा है? वो लड़की उसकी इज्जत उछाल रही थी, उसकी जगह मैं होता तो वही शूट कर देता। उसने तो हमारी खाट खड़ी कर दी थी, तो वो लड़की उसके सामने क्या चीज है सर? लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, पता है क्यों? क्योंकि वो एक असली मर्द है, और मर्द वही है जो औरत की इज्जत करना चाहता है। आप जैसा नहीं है सर। कसम से मेरे टुकड़ों पर पलने वाले गली के कुत्ते, अगर तू उसे नहीं ठोकेगा तो मैं ठोकूंगा। उठ यहां से। ऐसा ही कभी दिल खोल दिया भाई साहब, कर दिया मैं। राम हर किसी को पिघला रहा है, लेकिन सीता को नहीं पिघला रहा है। यार वही ना, सीता को पिघला क्या रहा है, सीता पिघलती नहीं है, लेकिन अब जो उसे केस लड़ा है यार, चाय पीने के बाद यार, जहरी बात है, घना क्यों लिया भाई 10:30 बजे को, उसको नहीं पता था 10:30। वाकई लेकिन 10:30 बोला तो वहीं से चाय, लेकिन चाय पियो, चाय पीने के बाद जब आया, अबे लड़की एक वकील, हमने कहा चल मिल गई, लेकिन वो खुद देखना वो किस तरह की बात। लेकिन एक बात बताऊं,
वो क्योंकि सारे डर रहे थे अगर उसका कोई केस लड़ता तो एमएलए छोड़ता, लेकिन सीता ने बहुत गलत किया, बार आबादी के सारे लोगों के साथ उसके ऊपर चाय फेंकी, उसको सुनाई कितना बच्चा थी ना, लेकिन यार वो यकीन मान बोला ही नहीं, टस से मस नहीं, वो बेचारा वो बोला ही नहीं, और आज उसकी मिसाल इस पुलिस वाले ने भी भाई साहब उसके सामने दी है, कहता है कि वो असली मर्द है, कहता अगर मैं होता तो उसको वहीं पे शूट कर देता, लेकिन वो मर्द का बच्चा है, कहता है वो उसकी इज्जत करना जानता है औरतों की, लेकिन अब केस तो उन्होंने जीत लिया है, अब आगे देखते हैं अब आगे होता है क्या।